हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं बताऊंगा आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ओजोन लेयर के बारे में, जो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिविंग बींग सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग को यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना है, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है। हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि 21वीं सदी में लगभग अर्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है। जिससे क्या हुआ है, आप लोग लगातार न्यूज में सुनते रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और आने वाले 70 साल में लगभग 80% ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएगा, जिससे बहुत ही नुकसान हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बीइंग का। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर जो है, आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि ओजोन लेयर का मतलब क्या हो जाता है। ओजोन लेयर का मतलब होता है पॉइजनस गैस। ओजोन लेयर में क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। वो जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और उसके ऊपर एक हमने लेयर बनाया है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर है इसमें क्या पाया जाता है, ये ओजोन लेयर होता है। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें जो है, आप लोग जानते हैं कि 5 लेयर होता है, उसमें एक लेयर होती है, उसी में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। जिस लेयर पे होती है ये, वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक, तो ओजोन लेयर का जो एडवांटेज है वो क्या होता है, ओजोन लेयर हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पॉइजनस गैस की लेयर, लेकिन ये बहुत ही जरूरी जरूरतमंद है ह्यूमन बींग के लिए और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं। जो सनलाइट होती है उसमें जो है अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, यूवी रेज जिसे कहा जाता है, मान लीजिए जो सनलाइट है इससे जो यूवी रेज आ रही है वो क्या करेगी, ओजोन लेयर उसे रिफ्लेक्ट करके वापस कर देगी, उसको अंदर नहीं आने देगी। क्योंकि जो यूवी रेज होती है वो अगर अर्थ पे आएंगी तो उससे जो है डिजीज कॉज हो जाएगी, जो इसके स्किन कैंसर कहते हैं। ठीक, अब इसलिए हमारे लिए ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो कैसे बनती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, O2 जिसे कहा जाता है, जो O2 प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, यूवी के प्रेजेंस में मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करके OO बना देता है। ये ओ जो है वो मॉलिक्यूल्स वो दो पार्ट में टूट जाता है, OO बना देता है। फिर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसी एक O से फिर रिएक्ट करता है, इससे मिल करके क्या बनाता है, O3 का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन। ठीक, O3 ही ओजोन होता है। तो ये ओजोन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक, अब ये कैसे हो जाता है, और आप लोगों ने देखा कि ये ओजोन कैसे बनती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने समझा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ये होता है कि जैसे मान लो ये ओजोन की लेयर है, ये धीरे धीरे पतली होती जा रही है। जैसे हमने एक फिगर छोटा सा बनाया आपको समझाने के लिए, ये आपका मान लो अर्थ है। ठीक, तो अर्थ के ऊपर एक लेयर पाई गई, उसको कहा गया ओजोन लेयर। ठीक, अब एक ऐसा रीजन है हमारे अर्थ पे जिसको कहा जाता है अंटार्कटिका रीजन। ठीक, अंटार्कटिका रीजन पे क्या हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही पतली हो गई है, थिन हो गई है, उसका डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो गया है। इससे क्या हो गया, अब ये डिप्लीशन हो गया। ठीक, अब मान लो इसको, अब हम लोग सपोज करते हैं कि अंटार्कटिका रीजन है, ये अर्थ है हमारा, इसके ऊपर जो अंटार्कटिका रीजन है, अंटार्कटिका रीजन पे जो एक लेयर पाई गई ओजोन लेयर, वो बहुत ही डिप्लीट हो गई, मतलब वो बहुत ही पतली हो गई है। ठीक, क्यों, क्योंकि अब ये डिप्लीशन क्यों हो रहा है। ठीक, ओजोन लेयर जो पतली हो रही है, थिन हो रही है, उससे बहुत ही हार्मफुल प्रभाव पड़ेंगे ह्यूमन बीइंग पे। आप लोगों ने जाना कि स्किन कैंसर हो जाएगा लोगों को। तो अब ये डिप्लीशन हो क्यों रही है, हम लोग बहुत ही धड़ल्ले से यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, उससे क्या होता है, वो लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करते हैं। जब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करेंगे उससे क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, और क्लोरीन का जब फॉर्मेशन होगा तो उससे वो क्लोरीन जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, मिक्स होगी। अब वो जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगी, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, फिर क्या बनाएगी, सीएलओ प्लस ऑक्सीजन। अब सीएलओ प्लस ऑक्सीजन वो बनाएगी तो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट क्या करते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशियंसी हो जाएगी और क्या होगा, प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग की धीरे धीरे बहुत ही ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था आपके लिए ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ओजोन लेयर जब डिप्लीशन होने लगा
अंटार्कटिका रीजन में, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे, जितने भी विकसित देश थे, उन लोगों ने एक बैठक बुलाई। उन लोगों ने एक बैठक बुलाई कब? 1987 में। कब बुलाई? 1987 में एक मीटिंग बुलाई सभी डेवलप्ड कंट्रियों की, और बात यह किया गया कि अगर ओजोन लेयर गायब हो जाएगा तो हम लोग तो वैसे बेकार हो जाएंगे, हम लोग भी गायब हो जाएंगे। तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे कहते हैं यूनियन नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, यूनियन नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया, सभी लोगों ने ये मिल करके बनाया, सारे डेवलप्ड कंट्रियों ने बनाया कि हम लोग क्लोरीन के उत्पादन में कमी लाएंगे। क्लोरीन के उत्पादन में कमी लाया गया और अब जो है जो ओजोन लेयर है उसको धीरे धीरे बचाया जा रहा है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा।